स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टीच इन्फो स्मार्ट में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे रेलवे में रीजनिंग के प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए रीजनिंग के क्वेश्चन के बारे में। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मिसिंग नंबर। इसके पहले मैंने एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन और सीरीज ये पढ़ा दिया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करिएगा, सभी वीडियोज़ को सीरियल वाइज देखिएगा, जिससे कि आने वाले एग्जाम में आपको फ़ायदा मिल सके। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। लिखा है लुप्त संख्या की पहचान करें। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या करना है, जो 676 लिखा हुआ है इसका कुछ संबंध है 841 से, अर्थात जो संबंध है 676 का 841 से वही संबंध आपको देखना है यहाँ पर 324 के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आएगा। वीडियो को पॉज करिएगा, क्वेश्चन का आंसर आप स्वयं से देने का प्रयास करिएगा, इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने इसके पहले भी आपको बताया हुआ है कि 25 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए और 50 तक का आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या हो रहा है। देखिए, अगर आप 26 का स्क्वायर करेंगे 26 का तो आपको मिलेगा 676। ठीक है, और अगर यहाँ पर देखिए 841 लिखा हुआ है, अगर 29 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 841। तो ध्यान दीजिएगा, 26 था, 26 से 29 हुआ है, कितना प्लस हुआ है, तो आप देख पा रहे होंगे 3 प्लस हुआ है। ठीक है, अर्थात पहले क्या हुआ है, 26 का स्क्वायर आया, फिर ऐसे अंक का आया, ऐसी संख्या का फिर स्क्वायर आया है जो कि 3 प्लस हो रहा है 26 में। ठीक है, तो 26 में आप प्लस करेंगे तो आपको 29 मिलेगा। ठीक, अब ऐसे ही आपको रिलेशन यहाँ पर देखना है, तो 324 आपको देखना है कि किसका स्क्वायर है। तो ध्यान दीजिएगा, 18 का स्क्वायर है 324। ठीक है, और आप देखिए 18 में आपको 3 प्लस करना है। जब आप 18 में 3 प्लस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 18 में 3 प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 21। अब आपको देखना है कि 21 का स्क्वायर कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा 21 का स्क्वायर होता है 441। ठीक है, तो यहाँ पर जो आएगा 441 आ जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा आप। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, जो यहाँ पर हो रहा था पहले वाले क्वेश्चन में जो हो रहा है वही दूसरे में भी होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो 18 में देखें, यहाँ पर 26 में 3 जोड़ दिया मैंने तो 29 हुआ था, वैसे यहाँ पर 18 में 3 अगर आप प्लस करेंगे तो 21 होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी 21 का ये यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 18 का स्क्वायर हुआ था तो 324 आया था, अगर आप इसमें 3 प्लस करेंगे तो ये आएगा 21 का स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये होगा 441। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। लिखा हुआ है दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला के लुप्त पदों को भरिए। आपको यहाँ पर बताना है क्या आएगा, तो ध्यान से समझिएगा, 8 था, 8 से 11 हुआ, 11 से 16 हुआ, 16 से 23 हुआ, 23 से 32 हुआ, यहाँ पर क्या आएगा। देखिए, 8 से जब 11 हुआ तो कितना प्लस हुआ है 3, जब 11 से 16 हुआ तो कितना प्लस हुआ है 5, फिर 16 से 23 हो गया कितना प्लस हुआ 7, और उसके बाद में आगे देखिए 23 से 32 हुआ तो कितना प्लस हुआ है 9 प्लस हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, 3 से 5 तक जाने में 2 का अंतर है, 5 से 7 तक जाने में 2 का अंतर है, 7 से 9 तक जाने में 2 का अंतर है, अब आगे जो आएगा वो 9 में 2 प्लस करके 11 का अंतर आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, 8 में 3 प्लस हुआ तो 11 हो गया है, तो देखिए 3 का अंतर आ गया है, उसके बाद में 11 में 5 प्लस हुआ तो 16 हो गया है। ठीक है, लेकिन 3 और 5 का जो अंतर आ रहा है देखिए 2 का आ रहा है। ठीक है, आगे ऐसे अगर आप देखेंगे तो 16 से 23 हुआ 7 प्लस हुआ है, तो देखिए 7 प्लस तो हो गया लेकिन पहले कितना हुआ था 5 हुआ था, तो 5 और 7 का अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो 2 ही का डिफरेंस आ रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है 2 2 का डिफरेंस ही आ रहा है, जब आप जो संख्याएं ज़्यादा प्लस हो रही हैं इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। अब आपको क्या करना है, 32 में 11 प्लस कर देना है, तो 32 में आप 11 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 43। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। लिखा है निम्नलिखित श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी, आपको बताना है, 51 है, 46 है, 41 है, यहाँ पर क्या आएगा आपको बताना है। तो देखिए क्या हो रहा है इसमें, 51 से आप 5 माइनस करेंगे तो 46 होगा। ठीक है, वैसे ही अगर आप 46 से 5 माइनस करेंगे तो 41 होगा, अब आगे भी वैसे करना है, अगर आप 41 से 5 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 36। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 36।
ग्यारह नंबर देखेंगे, लिखा है निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह अर्थात क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाली संख्या चुनें। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, 42 है, 42 से ये देखिए 38 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आपको करना है 42 से 38 को माइनस, आप माइनस करेंगे तो आपको 4 मिलेगा, ठीक है। 42 से आप 4 माइनस करेंगे तो 38 हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 से, गुणा करेंगे 11 से तो यहाँ पर 44 आ जाएगा, बीज की संख्या देखिए 44 आई हुई है। 28 से 23 माइनस कर दीजिए, ठीक है, इनको दोनों में आपस में माइनस करेंगे आप, 28 माइनस 23 तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है 5 बचेगा, ठीक है, और इसको भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 से तो कितना होगा, 55 हो जाएगा। आगे देखिए 39 और 37 देखिए, ये दोनों लिखा हुआ 37 और 39, अब 39 से आप 37 को माइनस करिए, अब आप माइनस करेंगे इसको, मैं यहाँ लिख देता हूँ 39 माइनस 37 तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 2, और आप मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो हो जाएगा 22, ठीक है, तो ये आएगा 22। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये 22 लिखा हुआ है। तो देखिए सब में क्या हो रहा है, पहले माइनस किया जा रहा है, जो पहले कॉलम में देखिए यहाँ पर जो संख्या है और यहाँ पर इनको माइनस किया गया, जो आया उसको 11 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, माइनस करने के बाद में जो संख्या आ रहा है उसको 11 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर 42 से 38 माइनस किया 4 आया, 28 से 23 माइनस हुआ 5 आया, लेकिन मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, सब में 11 से हो रहा है, देखिए इसमें भी 11 से मल्टीप्लाई हुआ, इसमें भी 11 से हुआ और यहाँ पर भी 11 से हुआ, तो ध्यान रखना यहाँ पर जो आएगा यहाँ पर 22 आएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, लिखा हुआ है निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाली संख्या चुनें, ठीक है, तो इसमें भी आपको वैसे ही लॉजिक लगाना है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना होता है, अक्सर इसमें आप जब भी देखोगे आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे, इसमें या तो इन दोनों संख्या से कुछ होकर के गुणा भाग माइनस ये संख्या बन रही होगी, ध्यान दीजिएगा, या तो इन दोनों संख्याओं में कुछ होकर के गुणा भाग माइनस होकर के ये संख्या बन रही होगी, ठीक है, दो तरीके से मैंने बताया, तीसरा या तो ये इन संख्याओं में कुछ होकर के ये संख्या बन रही होगी, ठीक है, ये ध्यान देना है, तो इस तरीके से इन तीनों संख्याओं में कुछ होकर के ये संख्या बन रही होगी, ठीक, तो ऐसे ही आपको इसमें लॉजिक देखना है, और आपको कब ये आएगा, जब आप बहुत सारे क्वेश्चन लगा लोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें देखेंगे क्या हो रहा है, अगर आप 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 हो जाएगा, 5 इंटू 9 45 हो जाएगा। अब ये वाला जो 3 है इसके आगे यहाँ पर लिख देना है आपको, ठीक है, यही हो रहा है। अब यहाँ पर अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 6 तो यहाँ पर 60 आ जाएगा, और इस 4 को आपको इसके सामने लिख देना है, देखिए 460 आ गया यहाँ पर, यहाँ 345 आ गया है। अब देखिए आगे क्या करना है, 11 का मल्टीप्लाई आपको करना है, 11 इंटू 7 हो जाएगा यहाँ पर, ये आएगा 77, ठीक है। अब यहाँ पर 5 आपको इसके सामने यहाँ पर लिख देना है, ये 5 है, यहाँ पर आपको 5 लिख देना है, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 577। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर क्या हो रहा है, कितनी बड़ी संख्या आ रही ना, तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब समझ में आने लगेगा, तो आप बस बने रहिए हमारे साथ, आपको सब आ जाएगा, आप इसके लिए निश्चिंत रहो, ठीक, कठिन कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस आपको करना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, लिखा है निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाली संख्या चुनें, इसमें भी आपको लॉजिक देखना है कि क्या चल रहा है, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से आपको देखना है। देखिए इन दोनों संख्याओं को अगर प्लस कर दीजिए आप, ठीक है, 3 5 3 8 हो गया, और अगर आप इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से तो क्या मिलेगा आपको, 4 मिलेगा, यहाँ पर 4 आ रहा है लास्ट में। अब इसमें भी वैसे कर लीजिए आप, 6 + 8 करिए, 2 से भाग दीजिए तो 8 6 14 हो जाएगा, 14 के आप 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 7 आएगा, ये देखिए 7 यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर इनको दोनों को आप प्लस करिए, 8 4 12 होगा, 8 4, अब यहाँ पर आप इनको दोनों को प्लस करिए 8 और 4 को, 8 + 4, ठीक है, और बटे में 2 हो जाएगा तो 8 4 12 हो जाएगा, काट दीजिए तो देखिए 6 बार जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो आएगा वो 6 आएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 आएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, लिखा हुआ है प्रश्न वाचक चिन्ह
क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा आपको बताना है, तो ध्यान से समझिएगा इसको क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। देखिए जो 9 है ये 3 का स्क्वायर है, उसके बाद में 16 जो है ये 4 का स्क्वायर है, 25 जो है ये 5 का स्क्वायर है, और जो 36 है ये 6 का स्क्वायर है, ठीक है। समझ पा रहे होंगे आप, 3, 4, 5, 6 एक सीरियल में इसमें लिखा गया है, ठीक है, स्क्वायर, ये ध्यान रखना है। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर है 16, उसके बाद में ये 5 का स्क्वायर है, उसके बाद में ये 6 का स्क्वायर है, उसके बाद 49 लिखा हुआ है, 49 7 का स्क्वायर है। तो इसमें देखिए क्या हुआ है, पहले 4 का स्क्वायर आया देखिए 16, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का, ठीक है। आपको सिक्वेंस ही देखना है इसमें, सबसे छोटी संख्या जो सबसे छोटा स्क्वायर है वो किस संख्या का है, वहीं से आपको गिनना चालू कर देना है। जैसे मैंने सबसे पहले देखा कि 16 4 का था, 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 का स्क्वायर आया हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये जो है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 6 का स्क्वायर है, ठीक है, और उसके बाद में ये 7 का स्क्वायर है, ठीक। अब यहाँ पर 8 का स्क्वायर आएगा, अर्थात यहाँ पर क्या आएगा, 64 आएगा, ठीक है, इस वाले बॉक्स में 64 आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और आगे यहाँ पर भी मिला सकते हो आप, देखिए 81 लिखा हुआ, ये 9 का स्क्वायर होता है, ठीक। तो देखिए पहले 6 का स्क्वायर आया यहाँ पर देखिए, फिर 7 का, फिर 8 का, और फिर 9 का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों बस आज इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आप बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल टीच इन्फो स्मार्ट के साथ में। दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।